स्वागत है आप सबका सुपर स्मैश कप के अंदर। यह मैच नंबर 9 है। मुकाबला सेंट्रल स्टेक्स बनाम कैंटरबरी किंग्स के बीच में, जो खेला जाएगा पोकेगोरा पार्क निप्लुमोथ के ऊपर। मैच टाइमिंग है सुबह के 8:30 बजे। तो आज यहां पर मैच होना था, उसमें बारिश आई और वो मैच कॉल्ड ऑफ हो गया। बट इस दिन जब यह मैच है 30 तारीख को, एक्सपेक्टेशन से रखी जा रही है वेदर क्लियर होगा। 40% चांसेस ऑफ रेन है जब मैंने गूगल पे चेक किया था। तो देखते हैं क्या होता है इस वीडियो में। अब क्या देखेंगे, सबसे पहले पिच रिपोर्ट आपको बताऊंगा मैं, हर एक प्लेयर के स्टैट्स देखेंगे, टीम न्यूज़ क्या है, बहुत सारे यहाँ पे टीम के अंदर चेंजेस हुए हैं वो जानना बहुत जरूरी है। कैन मैकुलर वापसी कर रहे हैं, कैंट बरी टीम के अंदर आपको वापसी करते हुए दिख रहे हैं जो अपने भाई साहब हैं, हेनरी निकल्स जो वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर हैं लॉन्ग फॉर्मेट के, T20 के अंदर आपको खेलते हुए दिखेंगे। तो पूरा वीडियो देखना, आपको हर एक प्लेयर के स्टैट्स देखेंगे, मैचेस भी मेरे पास हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको वीडियो हेल्प करेगी क्योंकि इसमें मैंने जो मेहनत दी है उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई भी अपडेट्स आती लाइनअप्स के बाद आपको मैं टेलीग्राम पे दे देता हूँ, ये भी आपको ध्यान रखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। पिच रिपोर्ट सेम रहती है जो लास्ट मैच को आपने बताई थी, क्योंकि यहाँ पे मैच ही नहीं हुआ उसके बाद। तो देखो 5 जनवरी को लास्ट टाइम मैच हुआ 2023 के अंदर, इसी साल सेंट्रल स्टेक्स वर्सेज ऑकलैंड का मैच था। उसके अंदर जो टीम पहले बैटिंग करने आई 150 बनाती है 9 विकेट गवा के, जो टीम चेस करने आती है वो 3 बॉल रहते चेस कर जाती है। वेन्यू ऐसा है जहाँ पर ज़्यादातर मैचेस चेस हुए हैं, 217 बना भाई, इतना बड़ा स्कोर बन गया, चेस हुआ होगा क्या भाई साहब, चेस हो गया था वो स्कोर। ये देखो आप 19.4 ओवर्स के अंदर 2 बॉल रहते, 186 बना भाई, चेस हो गया 186, आराम से 5 बॉल रहते, 227 बना, ये तो चेस नहीं हुआ होगा, ये भी चेस हुआ था, 1 बॉल रहते, 217 बना, ये तो भाई साहब करीबन 16 बॉल रहते चेस हो गया 217 वाला स्कोर। अगर ये और 16 बॉल खेल जाते हैं ना तो 250 नहीं बना जाते मेरे हिसाब से। सेंट्रल स्टेक्स का होम ग्राउंड है, इस वेन्यू के ऊपर उन्होंने 42 मैच खेला है और 23 मैचेस जीता है। ऑकलैंड एसेस यहाँ पर जो दूसरी टीम है कैंटरबरी किंग्स, ऑकलैंड एसेस को यहाँ पे आज खेलना था, बट कैंटरबरी किंग्स यहाँ पे 5 में से 1 मैच जीती है, 4 मैचेस यहाँ पे आ रही है। बैटिंग फर्स्ट करते हुए 2 मैचेस जीते गए, चेस करते हुए 7 मैचेस जीते गए पिछले 9 मुकाबलों के अंदर। हाई स्कोरिंग वेन्यू है, प्रति ओवर यहाँ पे 10.4 के आसपास रन बनते हैं। लास्ट 9 मैच के अंदर इस मैदान पे पेसर्स ने 83 विकेट निकाला है, पहली बारी में 42, दूसरी बारी के अंदर 41। राइट आर्म पेसर्स का 70 विकेट है और लेफ्ट आर्म पेसर्स का 13 विकेट है। स्पिनर्स ने 26 विकेट निकाला है, पहली बारी में 15, दूसरे में 11, ऑफ स्पिनर्स के 10, लेग स्पिनर्स का 2, चाइनामैन का 2 और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 12 विकेट है, जो बहुत अच्छी गेंदबाजी करता है। जब भी यहाँ पे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स खेला है, चाहे आप लूज डेल्पोर्ट को देख लो, चाहे आप देख लो यहाँ पे जो अपने जेडन लिनॉक्स है, बहुत अच्छी बॉलिंग कर चुके हैं पहले। तो देखो दोनों टीम्स ने आपस में 34 मैच खेला है, सेंट्रल स्टेक्स 14 जीती है, कैंटरबरी किंग्स 16 जीती है और इनके 4 मैचेस नो रिजल्ट गए हैं। 11 की बात करते हैं, विलियम ओपन करेगा टॉम ब्रूस के साथ, कप्तान है इस टीम के डैन क्लेवर, वाइस कैप्टन वन डाउन आते हैं, विल क्लार्क, जॉस क्लार्कसन, डग ब्रेसल एज ए बैटर खेल रहे हैं फिलहाल, फिटनेस पे आ रहे हैं धीरे धीरे जितना सुनने में आया है, अभी हाल ही में बॉलिंग करते हुए दिखे थे नेट्स के अंदर। बेवन स्मॉल, जॉय फील्ड, जेडन लिनॉक्स, ब्लॉट टिकनर, एजाज पटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगा, लियम डडिंग और बेले वैगन्स बेंच पे जानी चाहिए। कैंटरबरी की बात करते हैं, चैड बोस ओपन करेगा अलॉन्ग विथ कैन मैकुलर, कैन मैकुलर वन डाउन भी खेल सकता है अगर इनको लगता है हेनरी निकल्स को ओपन कराना चाहिए लेफ्टी राइटी के लिए, तो वो भी ओपन करने आ सकता है। फिर आएंगे लियो कार्टर, लेफ्टी बल्लेबाज है, मैंने इनको बहुत पसंद आता है, कॉल मिकॉन्ची कप्तान, मिछे, माइकल रिपोन, जैक फ्लॉक्स, अंगस मैकेंजी, विलियम रॉक, माइकल रे आपको दिख जाएंगे। अब प्लेयर के स्टैट्स देखते हैं फटाफट। विलियम कमाल के प्लेयर है, 15 मैच में 500 रन है, 8 वनडे के अंदर 150 का स्ट्राइक रेट है, 40 की औसत है, बहुत प्यारा नंबर है, लेके चलिए इसको प्लान्स के अंदर, कैप्टन वाइस कैप्टन तक आप सीधा कर सकते हैं। वेन्यू के ऊपर 17 मैच में 350 रन है, इनको इस वेन्यू पे दिक्कत क्यों आती है मैं बताता हूँ क्या कारण है, ये ग्राउंड छोटा है, यहाँ पे छक्के चौके बहुत लगते हैं, एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है, तो विल यंग अगर बॉल को गैप में नहीं भेज पाता, 2-3 डॉट बॉल हो जाती है, तो क्योंकि यहाँ पे सिंगल और डबल चपाना मुश्किल हो जाता है, छोटा सा ग्राउंड है इस वजह से, तो फिर विलियम अपने एग्रेसिव शॉट खेलते हैं, विकेट फेंक जाते हैं, बहुत बार ऐसे देखा गया है, प्लेयर में कोई कमी नहीं है, खरा सोना है ये न्यूजीलैंड के लिए। टॉम ब्रूस का 15 मैच 34 की औसत 436 रन है, स्पेशल आंकड़े भाई के, इसको बैटिंग फर्स्ट कर लेता हूँ मैं, फर्स्ट मिसिंग हो गया यहाँ से। वेन्यू के ऊपर कुल मिला के भाई के 21 मैच के अंदर 594 रन है, 155 का स्ट्राइक रेट है, जब भी इस वेन्यू के पे खेलता है एक इम्पैक्टफुल पारी खेल के जाता है, चाहे 20 रन करे बट एक इम्पैक्टफुल पारी रहती है भाई की। फिर डैन क्लेवर, इन्होंने एटवुड के अंदर 16 मैच खेले अगेंस्ट कैंटरबरी किंग्स, 300
67 रन है, 26 क्रॉस से, तो 9 कैच पकड़ा है भाई ने। बैटिंग फर्स्ट 35 नबा, 9 19, 9 81, 0 33, 21 61, चेस के ऊपर 5 30, 2 22, 0 40। वेन्यू के ऊपर 23 मैचेस के अंदर 492 रन है, 25 क्रॉस है, तो 16 कैच पकड़े हैं। देखते हैं क्या कर पाता है। वैसे नंबर्स इतने एंकरेजिंग नहीं है, इतने ख़राब भी नहीं है। चेस के ऊपर इसको जरूर दिक्कत आई है कई मैचेस के अंदर। विल क्लार्क हेड टू हेड वेन्यू कुछ नहीं खेला, फॉर्म 5 29 34 रन। इस मैच में गेंदबाजी शायद ना ही करें, इनके पास पहले छठवा गेंदबाज और सातवां गेंदबाज है टॉम ब्रूस और जॉस क्लार्कसन। क्लार्कसन 16 मैच 250 रन है, हेड टू हेड के अंदर नंबर थोड़े से शांत रहे, नॉट आउट भी बहुत बार रहे, इसलिए औसत भी बहुत अच्छी है 28 की। बट आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, इस वेन्यू के ऊपर भाई ने 24 मैच खेला जॉस क्लार्कसन ने, सैगरेट 173 का। दिस इज द बेस्ट अमॉन्ग ऑल द प्लेयर्स प्लेइंग एट दिस वेन्यू। ये देख लो आप, जिसने कम से कम 300-400 रन बनाए वो जॉस क्लार्कसन अपना, 595 रन से 34 की औसत है। चेस के ऊपर तो भाई रुकता ही नहीं है ये, 53 नाबाद, 22 25 31 नाबाद, 46 नाबाद, 58 19। डग ब्रेसवेल का 12 मैच में 185 रन से 31 की औसत है। वैन्यू के ऊपर 16 मैच में 19 विकेट्स, 292 रन है। देखते हैं लास्ट गेम में बहुत अच्छी पारी, जिसके मैंने ये भी लिख दिए विद द बैट इनिंग्स वाइज, क्योंकि एज अ बैटर खेल रहा है तो मेरे को लिखना जरूरी था ये, वरना मैं इसका सिर्फ बॉलिंग का नंबर्स लिखता अगर ये सिर्फ बॉलिंग कर रहा होता तो। बैटिंग फर्स्ट 17 नाबाद, 35 7 55 नाबाद, इस तरह से रहा इसका। अगर आपको मैं दोबारा दिखा दूँ, ये देखो आप यहाँ पे ऊपर लिख रहा था मैं इसको बॉलिंग वाले फिगर्स को नीचे, और चेस के ऊपर 9 नाबाद, 1 नाबाद, 16 39 35 नाबाद रहा है। बेवन स्माल का 8 मैच में 7 विकेट है, 34 रन है। बॉलिंग फर्स्ट 4 मैच में 5, बॉलिंग सेकंड 3 मैच में 2 विकेट है। सीनियर बॉलर है बट मेनली ऐसी सिचुएशन में बॉलिंग नहीं मिलती इसको जब टीम को ज़्यादा ज़रूरत हो, ये जब मैच टीम जीत रही हो तब जाके इसको एक आध ओवर दे दिया जाता है। लास्ट मैच में भी ऐसा ही हुआ था। जोई फील्ड आते हैं, 4 मैचेस के अंदर 4 विकेट है, बॉलिंग सेकंड करते हुए एक बार विकेट लेस गया है। वेन्यू के ऊपर 6 मैच में 9 विकेट्स है। एजाज पटेल 13 में 13 विकेट्स है, 4 बार विकेट लेस गए हैं। वेन्यू के ऊपर 12 मैच में 10 विकेटें हैं, बॉलिंग फर्स्ट 3 मैच में 2, बॉलिंग सेकंड 8 में 8। इस वेन्यू के ऊपर 10 की इकोनॉमी है लगभग। ब्लाट टिकनर 12 मैच में 21 विकेटें हैं, बहुत अच्छे आंकड़े हैं भाई के। 13 का स्ट्राइक रेट है, हर 13 बॉल में एक विकेट निकालता ही अगेंस्ट कैंटरबरी किंग्स, एक बार विकेट लेस गया है। वेन्यू के ऊपर 18 मैचेस के अंदर कुल मिला के 24 विकेट है, 5 बार विकेट लेस गया है। लिनॉक्स ड्रॉप नहीं करना टिकनर को, बहुत अच्छा पिक रहेगा फिर से, हार्ड लाइन थ्रीड करता है। 5 मैच में 7 विकेट है, 8.6 की इकोनॉमी। वेन्यू के ऊपर 7 की इकोनॉमी है, 3 मैच में 4 विकेट है, हर बार बॉलिंग फर्स्ट किया है। अब देखो पिछले मैच में क्या हुआ था, एजाज पटेल का पहला 5वां 11 17 ओवर था, टिकनर का दूसरा 6वां 19वां, जोई फील्ड का 3रा 14वां, लिनॉक्स का 4था 10वां 13वां 15वां, बेवन स्माल का 7वां 9वां 20वां, टॉम ब्रूस का 8वां 12वां 18वां, जॉस क्लार्कसन का 16वां ओवर था। कैंटरबरी चैड वोस का 14 मैचेस के अंदर 24 की औसत है, 340 रन है, 150 का स्ट्राइक रेट है, बहुत अटैकिंग शॉट्स खेले इस बंदे ने इस टीम के अगेंस्ट, और मतलब हर मैच में स्टार्ट लिया भाई ने, देखते हैं इस मैच में क्या कर पाता है। वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 76 रन है, बैटिंग फर्स्ट 24, चेस के ऊपर 24 और 28 है। वेन्यू के ऊपर 223 का स्ट्राइक रेट है, ये दर्शाता है यहाँ पर आते हैं ये अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, छोटी बाउंड्रीज होती है, पावर प्ले का इस्तेमाल करते हैं। कैन मैकुलर का 8 मैच के अंदर 68 रन 68, बैटिंग फर्स्ट 24-0, चेस के ऊपर 0-19-0-7-5-13, वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 32 रन है, 0-19-13 चेस के ऊपर आए हैं सारे। हैंडर निकल्स 4 मैच में 58 रन है, एट्रोड में बैटिंग फर्स्ट 15, चेस के ऊपर 23-20, इस वेन्यू के ऊपर 23 किया था मात्र 10 गेंदों के अंदर, ऐसे 256 का स्ट्राइक रेट था चेस करते हुए। लियो कार्टर 38 की औसत है, लास्ट टाइम भी जब इस वेन्यू के ऊपर मैच हुआ हमने बात करी थी, आप प्रीवियस वीडियो जाके देखना अगर आप फॉलो करते थे मेरे को पहले से, तो 263 रन किए हैं। जब भी ये बंदा इस टीम के अगेंस्ट खेलता है कुछ ना कुछ करके जाता है। देखो 21 3 1 88 नबाद, 70 नबाद, चेस के पर 0 23 नबाद, 1 0 56। इस वेन्यू पे 144 की एवरेज है, 2 मैचेस में 144 रन है। बैटिंग फर्स्ट 88 नबाद, चेस के ऊपर 56। कॉल मिकॉन्ची 17 मैचेस में 28 की औसत, 394 रन है और 5 विकेटें हैं भाई के, नंबर्स ठीक है स्पेशली चेस के ऊपर। इस टीम के अगेंस्ट इसने नॉर्मली बहुत अच्छा काम किया विद द बैट अस कम्पेयर टू विद द बॉल। वेन्यू के ऊपर 4 मैच में 88 रन है, छोटी बाउंड्रीज, 162 का स्ट्राइक रेट, बैटिंग बस 33, चेस के ऊपर 36 और 19 है। ये पेसर्स अगर मार खाता है तो ये ओवर कराने आएगा, अगर इसका पहला ओवर अच्छा चला गया तो अपने आपको दूसरा ओवर देगा, दूसरा ओवर अच्छा चला गया तो तीसरा चौथा भी देगा ये, और तब आपके लिए और ज़्यादा एक मास्टर क्लास पिक बन सकता है एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग के अंदर। कॉल मिकॉन्ची।
में 6-4 मैचेस के अंदर 37 रन से, बैटिंग फर्स्ट 29 6 के ऊपर 8, वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 8 रन है। माइकल रिपॉन 10 मैचेस में 9 विकेट 83 रन, बॉलिंग फर्स्ट 5 मैच में 3, बॉलिंग सेकंड 5 मैच में 6 विकेट है। इस वेन्यू के ऊपर 9 की इकोनॉमी, रिपॉन की 2 मैचेस में 14 रन 1 विकेट है। बॉल सेकंड में विकेट मिल सकते हैं स्पिनर्स को जब बैटर्स अटैक करेंगे और बैटिंग फर्स्ट करते टीम बड़ा स्कोर बना जाती है, तो ये एक फॉर्मूला रह सकता है। बट मोस्टली ज़्यादातर जो मैचेस होते हैं 220-230 वाले चेस हुए हैं, ये बहुत बड़ी खासियत इस मैदान की। जैक फॉक्स इस टीम के अगेंस्ट इसने 3 विकेट निकाला था बॉल सेकंड करते हुए, बेहतरीन स्पेल था, मात्र इन्होंने 5.5 की इकोनॉमी रखी थी। एंगस मैकेंजी इस प्लेयर ने इस टीम के अगेंस्ट 1 मैच खेला जिसमें उसको 1 विकेट मिला था, बॉलिंग सेकंड करते हुए 8.7 की इकोनॉमी थी, वेन्यू भी नहीं खेला, रिसेंट फॉर्म अच्छा रहा है। माइकल रे 8 मैच के अंदर 13 विकेट हैं, बॉलिंग फर्स्ट 5 मैच के अंदर 8 और बॉलिंग सेकंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा 3 में 3 विकेट। इस वेन्यू के ऊपर 6 की इकोनॉमी, भाई देवता ये भाई साहब 6 की इकोनॉमी रखता है इस वेन्यू पे, 3 विकेट्स है बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, 3 विकेट बॉलिंग सेकंड में 0 विकेट, अ स्पेशल प्लेयर टू वॉच आउट। विलियम रॉक इस वेन्यू के ऊपर 1 मैच में 1 विकेट, 5 की इकोनॉमी, ये तो महान भाई अपने, और सीरियसली कहूँ इस वेन्यू पे यार 6 की इकोनॉमी रखना बहुत डिफिकल्ट है, आप रख ही नहीं सकते। 50 मीटर की स्क्वायर बाउंड्रीज होती है सारी, सामने आपको 60 से 65 मीटर की बाउंड्री देखने को मिल जाएगी, ईजिली क्लियर हो जाती है वो, तो बहुत अच्छा डाला है विलियम रॉक ने भी। फ्रेशर शर्ट मैट बॉयल सबके स्टेट्स दिए हुए हैं। पिछले मैच में जैक फॉक्स का 1, 3, 13, 17 था, फ्रेशर शर्ट का 2, 9, माइकल रे का 4, 6, 15, 19, एंगस मैकेंजी का 5, 11, 18, 20, रिबॉन का 7, 12, 14, 16, मैकेंजी का 8, 10 था। मैचअप देखते हैं विलियम का, आपको देखने को मिलेगा विलियम रॉक, एडी नेटल एक एक बार आउट किया हुआ है, टॉम ब्रूस का कोई खास मैचअप नहीं है, माइकल रे के साथ जरूर है, 4 इनिंग्स में 3 बार आउट किया, 17 बॉल के अंदर 15 रन देखे। डैन क्लेवर की बात करें अगेंस्ट माइकल रे, 17 बॉल 23 रन 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। विल क्लार्क अगेंस्ट माइकल रे, 5 बॉल 7 रन 2 इनिंग्स में 1 बार आउट किया। जॉस क्लार्कसन वर्सेज माइकल रे, 29 बॉल 34 रन 7 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। डग ब्रेसल वर्सेज रिपॉन, ये एक बैटल देखने लायक होगी, डग ब्रेसल को रिपॉन ही रोक सकते हैं, चाइनामैन स्पिनर है, ट्रिकी स्पिनर है, वो फैक्टर है। जैक बॉयले हैं, बैले वेगेंस वर्सेज माइकल रे, चैड बोस की बात करते हैं, चलो अब चैड बोस वर्सेज रिजाज पटेल, 22 बॉल 20 रन 4 इनिंग्स में 2 बार आउट किया। ब्लाट टिकनर इनको 7 इनिंग्स में भाई साहब 5 बार आउट किया हुआ है चैड बोस को, सोचो 21 बॉल के अंदर 24 रन देखे। रंडेल तो दिखेंगे नहीं आपको, बहुत अच्छा बॉलर है वो। हेनरी निकल्स वर्सेज एजाज, विल क्लार्क एक एक बार आउट किया है। लियो कार्टर वर्सेज एजाज, 29 बॉल 31 रन 6 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। और जो अपने कॉल मैकेंजी है ना, वो जर्नल लोनक के सामने बहुत बुरा फंसते हैं, 4 इनिंग्स में 4 बार आउट, इनको मारते भी हैं, सुताई भी करते हैं, फिर बाद में लास्ट स्पेल के अंदर विकेट दे जाते हैं, 33 बॉल 66 रन है। ब्लाट टिकनर है, 10 इनिंग्स में 4 बार आउट किया, 46 बॉल्स के अंदर 52 रन देके। डग ब्रेसवेल ने 8 इनिंग्स में 2 बार आउट किया हुआ है, मिच है कोई खास मैचअप नहीं, रिपॉन का टिकनर के सामने 7 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 41 में 45 रन देके। कैन मैकुलर इस मैच में वापसी करेंगे, शायद ओपन तक कर लें जितने चांसेस मुझे लग रहे हैं। ब्लाट टिकनर को 11 बॉल में 12 रन देके 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया। जॉय फील्ड ने 1 बार, कॉमन कैप्टन टॉम ब्रूस आपको दिख जाएंगे, मार्टिन गप्तिल है और अलग, मार्टिन गप्तिल कहाँ किससे खेलेंगे, अरे लास्ट मैच खेलेगा, मैं आपको रोली बताता हूँ, टॉप कैप्टन से ऑप्शन मेरे रहेंगे टॉम ब्रूस, और आप जा सकते हैं कॉल मैकेंजी के साथ जो बहुत अच्छा इस वेन्यू के ऊपर उसके नंबर्स रहे, और यहाँ से आप विलियंग लीजिए, और एक दो नाम मैं ऑर्डर करता हूँ आपके लिए, विलियंग है, टॉम ब्रूस है, कॉल मैकेंजी है, ग्रैंडली के लिहाज से फिर आप एक और प्लेयर लेके जा सकते हो, जॉस क्लार्कसन जो खुद के अंदर एक अद्भुत प्लेयर है जो बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेता है। ब्लाट टिकनर हो जाते हैं यहाँ से, चैड बोस है प्लेयर अच्छा बट वो बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाता। लियो कार्टर एक हटके भी हो सकता है ग्रैंड लीग के लिए, लियो कार्टर। अब मैं आपको टीम्स बना के दिखाता हूँ किस तरह से टीम्स बनेंगी, तो आप देखें कीपिंग में डैन क्लेवर है, मिच है सबसे बेस्ट ऑप्शन उनके पास, डैन क्लेवर होता है, वैसे मिच है भी कोई ख़राब प्लेयर नहीं है, अच्छी हिटिंग रेंज है इसके पास, जो ऑकलैंड डिसेस का गेंस मैच था बहुत अच्छा किया था स्नेडन पार्क आउटर रोल पे, वहाँ पे भी छोटी स्क्वायर बाउंड्रीज होती है 55 मीटर के आसपास, तो जाइए आप किसी के साथ जो आपका दिल कह रहा है। डैन क्लेवर की ये दिक्कत है, एक एक रिदम वाला प्लेयर नहीं है, ये कभी भी चलने लग जाता है और कभी भी आउट होकर चला जाता है। मिच के पास थोड़ा सा एक रिदम रहता है खेलने का। विलियम यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट है, निकल्स को आप लेके जा सकते हैं, ये वेन्यू ऐसे छोटा सा है और यहाँ पे कैसे खेलेंगे देखने लायक होगा,
छोटी बाउंड्रीज होती है। टॉम ब्रूस मस्ट पिक चैट, वो उसको फिलहाल मैंने लिया हुआ है। लियो कार्टर एक ग्रैंड लीग के लिए टॉप क्लास बंदा होगा, 11 सिलेक्शन परसेंटेज हिटिंग करता है, बहुत पावरफुल प्लेयर है, 6 बॉल में 6 छक्के मारे थे उसने। और कैंटरबरी ने किस बेसिस पे बेवन जैकब्स को ड्रॉप किया है, जिन्होंने ऑकलैंड के अगेंस्ट लगभग एक मैच विनिंग नॉक खेली थी, मेरे को अभी भी याद है, शायद 44 ऐसे कुछ किया था, 42 किया था, 210 का स्ट्राइक रेट था। अब क्यों ड्रॉप किया इन्होंने वो मेरे समझ के बाहर है। डग ब्रेसवेल शायद लास्ट मिनट में मैं भी ले लूँ, आप लेके जा सकते हैं। बैटिंग फर्स्ट में ज़्यादा स्पेशली ये इंपॉर्टेंट रहता है। रिपॉन इंपॉर्टेंट, मिकॉन्ची है, जॉस क्लार्कसन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैक फ्लॉक्स को वो ले सकते हैं, यहाँ से ब्लाट टिकनर है और माइकल रे, जर्डन लिनॉक्स, आपको कोई ना कोई बैटर ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल मैं ऐसे कुछ करता हूँ, मैंने ले लिया लिनॉक्स जो एक बहुत अच्छा गेंदबाज है, और यहाँ से आप जा सकते हैं माइकल रे के साथ जिसने बहुत अच्छे हेडफुट में विकेट्स निकाले हैं। फिलहाल मेरी टीम ऐसी बनी है, बट आप बैटर्स को भी फेवर कर सकते हैं। लास्ट मिनट में मैं पिच देख के कर लूँगा कैसी कंडीशन है, कितना मैच ओवर का होता है। टॉम ब्रूस को कैप्टन कर दीजिए क्योंकि एक दो बॉलिंग करने आ सकता है, वाइस कैप्टन मैकॉन्ची, रिपॉन, जॉस क्लार्कसन, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। इवन विलियम को आप कर सकते हैं, कई एक्सपर्ट्स ने यहाँ पे किया हुआ है, माइकल रिपॉन को जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये फिलहाल टीम बनी है मेरी, देखते रहिए स्टैट्स। रुजी मिलते हैं टेलीग्राम के ऊपर। जय हिंद, लव यू, सी सून एंड ऑल द बेस्ट।